हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो होने वाली है, आज की वीडियो होने वाली है स्पेमिन टेबलेट के ऊपर, कि ये स्पेमिन जो टेबलेट होती है क्या होती है और किन किन लोगों को ये दी जाती है, इसके इस्तेमाल क्या क्या होते हैं और इसको लेने का सही तरीका क्या होता है, इसकी खुराक मतलब डोज क्या होती है इसकी, सब कुछ बहुत ही डिटेल से इस वीडियो में हम जानेंगे। आखिर तक वीडियो को देखना, आपको थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। तो स्पेमिन जो टेबलेट है दोस्तों, ये एक आयुर्वेदिक और हर्बल दवा है। ये पूरी की पूरी हर्बल फॉर्मुलेशन इसके अंदर है। इसको जो बनाने वाली कंपनी है उसका नाम है हिमालया। हिमालया कंपनी इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है, बनाती है। प्राइस की बात करते हैं तो ये 180 रुपीज में एक डिब्बी आपको मिल जाती है। पैकिंग इसकी आप साइड में देख ही सकते हैं, इस तरीके की पैकिंग इसकी होती है। अब बढ़ते हैं इसके यूज के ऊपर, इसके फायदे के ऊपर, कि कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो इसका जो मेन यूज होता है दोस्तों, जैसे कि नाम से ही जाहिर होती है स्पेमिन, तो स्पेमिन मतलब ये जो यूज होती है, स्पर्म काउंट अगर किसी के कम हो जाते हैं तो उसमें दिया जाता है। जैसे जिसको बोला जाता है ओलिगोस्पर्मिया, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। दोस्तों ये जो है स्पर्म काउंट को बढ़ा देती है। किसी पुरुष के अंदर स्पर्म काउंट की कमी रहती है तो वो लोग इसको लेंगे तो उनका स्पर्म काउंट बढ़ जाता है। स्पर्म के अंदर मोबिलिटी होती है, अगर वो लो रहती है, क्वांटिटी लो रहती है, तब भी इसको ले सकते हैं। उसको बढ़ाने का काम करती है, मतलब शुक्राणुओं को बढ़ाने का काम करती है, जिसकी वजह से जो है पुरुष जो है पिता नहीं बन पाते हैं, संतान उत्पन्न उनको नहीं हो पाती है, जिस कारण की वजह से, तो उस कारण को ये दूर करती है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने का भी काम करती है स्पेमिन टैबलेट दोस्तों, पुरुषों के अंदर। इसके अलावा मेल इनफर्टिलिटी को भी दूर करती है, मतलब कोई पुरुष ऐसा है जो पिता नहीं बन पा रहा है इनफर्टिलिटी के कारण, स्पर्म लो काउंट होने के कारण, तो वो लोग इसको ले सकते हैं। उनके अंदर काफी अच्छा रिजल्ट इसका देखा गया है। ये इसके यूज होते हैं, इसके फायदे होते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसके वजह से ये इतना कारगर होती है, इतना कामयाब दवाई है। तो इसके अंदर होता है कोकिलक्षा होता है दोस्तों, कपिकाचू होता है इसके अंदर, गोक्षुरा होता है इसके अंदर, वृद्धारू होता है इसके अंदर, जीवंती होता है दोस्तों, और शैलियम होता है। इसके अलावा कोकिलक्षा होता है, वान्या कछु होता है। इतने सारे इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं। बात करते हैं इसके डोज की, तो इसकी जो डोज दोस्तों, वैसे तो कोई भी दवा गई अगर आप ले रहे हैं तो उसकी जो डोज रहती है वो पेशेंट की कंडीशन पर निर्भर रहती है, एज पर निर्भर रहती है, इन सब चीज़ों पर निर्भर रहती है। तो ये इसकी जो डोज होती है, ये जो सुबह शाम लेनी होती है एक टैबलेट, खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं इसको, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को इसको लिया जाता है। और इसका जो दोस्तों असर दिखता है वो कम से कम 1 महीने बाद इसका असर दिखेगा आपको। इसके साथ ही आप 1 महीने से लगातार 3 महीने तक इसको ले सकते हैं, इसका पूरा कंप्लीट कोर्स कर लें। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। जब आप इसका कोर्स कर लेते हैं फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, और इसको आप दूध या पानी के साथ ले सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ। ऐसी बातों को ध्यान में रखें कि जो इसके साथ नहीं करनी, अगर कोई इस टेबलेट को ले रहा है तो वो किन किन बातों को ध्यान में रखें। स्मोकिंग उसको अवॉइड करनी है, गुटखा बीड़ी शराब कोई भी धूम्रपान स्मोकिंग उसको नहीं करना है। इसके अलावा उसको फ्राइड फूड तली हुई चीज़ें अवॉइड करनी है, वो भी नहीं खानी है। इसके अलावा उसको डेली एक्सरसाइज करनी है, पानी की क्वांटिटी उसको ज़्यादा रखनी है, पानी ज़्यादा पीना, अच्छी डाइट लेनी है। ये चीज़ अगर वो करता है तो उसको थोड़ा सा और फास्ट रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा कोई और बीमारी है उसको, जो ये दवाई ले रहा है कोई और बीमारी है उसको, या फिर कोई और दवाई वो पहले से ले रहा है, शुगर है, डायबिटीज़, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो अपने डॉक्टर को बताए इस टैबलेट को लेने से पहले। दोस्तों ये होती है इसके लेने का सही तरीका, डोज। साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट इसमें कुछ आते नहीं है, हर्बल दवाई है। फिर भी अगर आपको कोई साइड इफेक्ट दिखता है तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये होती है स्पेमिन टैबलेट। कैसे लगी आपको जानकारी? आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर बनाकर डालते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल फिर अपनी वीडियो एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।